कुरान वो किताब है जो दर से इंकलाब है, कुरान वो किताब है जो दर से इंकलाब है हमारी दरसगाह करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला वा इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल ये मोमिनीन की मोहब्बत है जो उनकी ईमानी कुव्वत से सरशार है। जो वाक़ा पेश आया ईरान में जिसमें इनकलाब इस्लामी के रईस आगाई रईसी जो सदर मोहतरम है जिन्होंने हर एतबार से अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक्फ़ किया था, इत्तेहाद इस्लामी के लिए वक्फ़ किया था, उनकी शहादत उनकी ये जो नागहानी जो हादसा पेश आया इसके जो को देखते हैं उसी की मोहब्बत में ये मोमिनीन सड़कों पे निकले हैं और अपना इजहार यकजहती करते हैं रहबर के साथ, उनकी कुव्वत उनकी ताकत के लिए दुआ कर रहे हैं और इनकलाबी इस्लामी की बका के लिए दुआ कर रहे हैं। और साथ ही एक पैगाम है सब मुसलमानों को, इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है ताकि ताकूत के साथ एक साथ मिल के इंसानियत बशरीत और इस्लाम के पैगाम को महफूज रखा जाए। बरदार थे इत्तेहाद इस्लामी के, हम उनके अकदार को अगर देखेंगे हम उनकी आबियारी उनके अकदार की करेंगे, वो हर वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए गामजन रहे हैं। अभी आप ताज़ा उनका सफ़र जो देखें वो पाकिस्तान गए, वहाँ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर वहाँ पहुँचे और वहाँ उनको ये पैगाम दिया कि जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनकी मदद के लिए हमें एक साथ चलना है, यहाँ पर कोई कैद नहीं है फ़िरके की, सिर्फ पैगाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम। और यही कलमे वाले जो मुसलमान हैं यही इंसानियत और बशरियत की नजात का सबब बन सकते हैं। जिंदा है कासिम की शक्ल में, जिंदा है कासिम की शक्ल में, जिंदा है ईसी की शक्ल में, जिंदा है ईसी की शक्ल में, जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पीछे इस वक्त नौजवान खड़े हुए हैं, ये खाली फकत इसलिए है कि जो आज एक बहुत ही दुख भरी हमारे पास ये मैसेज पहुंची कि आयतुल्ला रईस इब्राहिमी जो इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट है और उनके साथ जो कोलीग्स थे वहाँ पे और पर्टिकुलर जैसे फॉरेन मिनिस्टर ईरान के आमिर अब्दुल्लाही वो शहीद हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है पूरे इस्लाम के लिए, एक उम्मत इस्लाम के लिए। यहाँ पे तो कोई शिया सुनी की बात ही नहीं, ये तो एक हमारे जो हमारा दर्स है इस्लाम का वो यूनिटी पे है, वो ब्रदरहुड पे है और वही मैसेज इस वक्त ईरान की तरफ से हर एक मुसलमान कंट्री के लिए हमेशा जाती है और जाती रहेगी। वही मैसेज आज जो आमिर अब्दुल्लाहियान है या हमारे जो प्रेसिडेंट जो शहीद हुए हैं इब्राहिम रईसी, यही मैसेज वो लेकर सारे मालिक में जा रहे थे कंटिन्यूसली ये दिन रात करके, यही मैसेज एक ब्रदरहुड यूनिटी का जो इस वक्त दुनिया में सिनेरियो चल रहा है जैसे इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो उस पर इन्होंने बहुत सारा काम किया कर रहे थे इसी पे। आप देख सकते हैं कि उनकी उन एफर्ट्स की वजह से ही बहुत ये मसला आगे यूनाइटेड नेशन तक पहुँच चुका था। इब्राहिम रईसी थे ये हम ऐसे सदर ना लें तो ऐसे एक इंसान बहस्ते एक इंसान बहुत ही नेक इंसान थे और इसमें दो बहुत बड़े उलमा थे जिनमें एक खुद सैयद इब्राहिम रईसी जी थे और दूसरे आयतुल्ला सैयद मोहम्मद अल हाशमी थे जो आयतुल्ला थे, तो जो कि माना जाता है कि कहा जाता है कि एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है और उसी का गम हम इस वक्त मनाने आलमगीर बाज़ार चौक में निकले हैं। शिया लीडर ने कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो पिछले दो तीन महीने से जो काम शुरू किया था कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम जितने भी जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में अभी रिसेंटली पाकिस्तान भी गए थे, अभी अज़रबैजान से के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, ये अभी कल ही मिले थे, तो ये सारा इनका काम बेसिकली इनका मकसद था कि जितनी भी मुस्लिम उम्मतें हैं उनको एक करना है।